Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ शेफाली एंड आज हम केस कंट्रोल स्ट्रक्चर और स्विच केस डिफॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे. हम इसको स्विच केस स्टेटमेंट भी कहते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इफ इट इज रिक्वायर्ड इन अ प्रोग्राम टू सिलेक्ट वन ऑफ द सेवरल डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन देन स्विच और मोर करेक्टली स्विच केस डिफॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर इज यूज. स्विच स्टेटमेंट इज यूज टू सिलेक्ट One out of multiple alternatives present in our programs. यानी जब भी हमारे पास बहुत सारी choices होती है और उन choices में से हमें किसी एक choice को choose करना होता है तो हम switch case statement का use करते हैं. चलिए syntax देखते हैं switch case statement का. सबसे पहले हम switch keyword लिखेंगे, उसमें अपना expression लिखेंगे. Expression का मतलब है कोई भी variable name किसी भी data type का. ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल नेम लिखेंगे जो भी उसका डाटा टाइप होगा वो हम पहले ही डिक्लेयर कर लेंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैंने डे इंटीजर डे डिक्लेयर किया है तो यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन में डे वेरिएबल लिखूंगी. यहाँ से फिर हम अपने स्विच के स्टेटमेंट स्टार्ट कर लेंगे बेसिस से. यहाँ पे हम डिफरेंट केसेस देंगे. जो भी यूजर नंबर डालेगा वो जिस भी केस से मैच होगा उसमें दी गई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी. फॉर एग्जांपल अगर यूजर ने 1 डाला है और ये फर्स्ट केस से मैच हो गया तो इसमें फर्स्ट केस में जो भी स्टेटमेंट दी गई है, फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट 1 दी गई है तो वो स्टेटमेंट 1 ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो केस वहीं पर खत्म हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा. उसके आगे हमारा जो कंपाइलर है वो चेक नहीं करेगा बाकी केसेस को. यहाँ पे भी हम n केसेस देंगे, यानी जो भी यूजर की रिक्वेस्ट से मैच होगा केस उसमें दी गई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और प्रोग्राम वहीं एंड हो जाएगा. अगर यूजर ने कोई ऐसा केस दिया है जिसमें जो कि हमारे केसेस में से मैच नहीं कर रहा है तो जो भी डिफॉल्ट स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी. यहाँ पे हमने ब्रेक कीवर्ड यूज करा है. ब्रेक कीवर्ड इसलिए यूज करा है क्योंकि जब ये केस सिलेक्ट होगा उसके साथ जो भी स्टेटमेंट ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगी. उसके बाद अपने प्रोग्राम को वहीं पे एंड करने के लिए हमने ब्रेक का यूज करा है. अगर हम ब्रेक कीवर्ड यूज नहीं करेंगे तो जो हमारा कंपाइलर है वो बाकी केसेस को भी चेक करेगा कंडीशन के ट्रू होने पर भी, इसलिए हमने ब्रेक का यहाँ पे यूज करा है. लास्ट में हम ब्रेक यूज नहीं करते हैं. डिफॉल्ट स्टेटमेंट के बाद हम ब्रेक यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसके बाद कोई स्टेटमेंट ही नहीं है जिसको हमारा कंपाइलर चेक करे. तो चलिए प्रोग्राम के हेल्प से देखते हैं कि हमारा स्विच के स्टेटमेंट कैसे काम करता है. ये मैंने पुराने वाला प्रोग्राम ही है, बस इसमें थोड़े से चेंजेस करे हैं. यहाँ पे भी यूजर 1 to 7 में से कोई भी नंबर एंटर करेगा और जो भी केस उस नंबर से मैच होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. उसमें जो भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी. मैं आपको कोडिंग समझा देती हूँ. जैसे कि सबसे पहले है हैश इंक्लूड str.h हमारी हेडर फाइल. फिर मेन फंक्शन में मैंने इंटीजर टाइप का एक डे वेरिएबल लिया है. फिर मैंने printf स्टेटमेंट का यूज करा है जिससे कि मैं यूजर से वैल्यू एंटर कराऊंगी. 1 to 7 में से कोई भी नंबर एंटर करेगा यूजर और जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा वो डे वेरिएबल में स्कैनफ स्टेटमेंट के थ्रू स्टोर हो जाएगा. फिर हमने यहाँ से स्विच के स्टेटमेंट स्टार्ट करी. स्विच कीवर्ड लगाया, उसके बाद हमने पैरेंथेसिस में डे वेरिएबल लिखा जिसमें हमने वो अपना नंबर स्टोर किया है. यहाँ से हम अपने केसेस स्टार्ट करेंगे. जैसे कि केस 1 लिखा मैंने, केस 1 उसके बाद कॉलन यूज करेंगे हम. फिर प्रिंट एफ में जो भी हमारा केस 1 की स्टेटमेंट होगी वो लिखेंगे. फिर हम ब्रेक कीवर्ड लगाएंगे ताकि अगर हमारा केस 1 एग्जीक्यूट हो जाए तो हम कंपाइलर उससे आगे चेक ना करे, उससे आगे इवेलुएट ना करे बाकी केसेस को. इसलिए ऐसे करते करते हमने संडे तक लगाए हैं केसेस, यानी सारे डेज के नाम लिखे हैं. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. अगर यूजर ने कोई ऐसा नंबर डाला जो मतलब 7 नंबर में से अगर यूजर ने 8 नंबर डाल दिया तो हमें प्रिंट ओके आएगा. हमें डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, यू एंटर्ड रॉन्ग नंबर, तो हमें ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी. तो चलिए एक बार रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसे काम करता है. मैं डालती हूँ
5 नंबर डालती हूँ मैं. डे इज फ्राइडे. ये बिल्कुल एल्सिफ लेटर की तरह काम करता है, लेकिन ये बिल्कुल उससे अलग है, वैसा ये नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डालती हूँ 9 डालती हूँ, यू एंटर्ड रॉन्ग नंबर, यानी अब हमारी डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो गई. यहाँ पे मैंने इंटीजर टाइप का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, लेकिन आप फ्लोट टाइप का भी लिख सकते हैं, चार टाइप का भी लिख सकते हैं. जो भी एक्सप्रेशन स्विच के साथ दिए गए एक्सप्रेशन के साथ मैच होगा वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और स्विच के साथ दिया गया एक्सप्रेशन किसी भी केस के साथ मैच नहीं करता तो वह डिफॉल्ट वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है. तो ये थी हमारी स्विच के स्टेटमेंट. आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी. अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.